आइए 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 नेताजी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। नेताजी कह रहे हैं जी आपको माफ किया, आपकी दुकान नहीं टूटेगी। अरे वाह 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 नेताजी, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। मान ले यार इलायची जी को तो। वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही खाने की, वाह। ऐसा लग रहा है जैसे घर में पनीर पसंदा वाला पिंकी जी बोल रहे हैं, हैं? क्या हो गया दरोगा जी, क्या बात हो गई? ए तू क्या खड़ा हुआ, चल इधर। ये नेता जी, ये रहा आपका मुजरिम, बताइए क्या एक्शन लेना जी। हैं नेताजी, मुझे खांसी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ बताओ। नेताजी कह रहे हैं इसको उठा के अंदर डाल दो। अरे नेताजी, आप भी आओ। अरे नेताजी, आप इनसे मिले, ये है पंचम जीजाजी, पिंटू भाभी के पति। अरे पता है अभी ने रहा चलती छिछोरे ने ना पिंटू भाभी को छेड़ दिया था, बताइए। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद ना मेरी फ्रेंड ने उसकी वीडियो बना ली है। मैं वीडियो दिखाऊं क्या? नेताजी फिल्में नहीं देखते, रहने दो। चले तू चल, तू चल। क्या नेताजी कह रहे हैं जी, जाने दो जी, इसकी वजह से तो नेताजी मलेरिया से बचे हैं। चले मंगी, चल बे। चलिए साहब चलिए। नेताजी हम भी चलें कि फिल्म देख के जाना है? नमस्ते कर रहे हैं जी, नमस्ते। तुझे पता है? हाँ? अपनी दुकान बच गई। हाय मतलब सच्ची? अरे पापा, ये तो बड़ी प्यारी सी खबर है। चलो बढ़िया राशीर जी, मैं क्या कह रही हूँ कि सारा मामला अपना सुलझ गया। वरना मैंने सोच लिया था तुम्हारी दुकान ना सही, मेरी दुकान सही। तो क्या मैं तेरी दुकान पे आके लाने बेचता? अरे ना ना। कल रात मुझे ठीक से नींद ना आई। क्यों, ज्यादा खा लिया क्या तूने? ना ना। हाँ। असल में मेरे नए नवेले सपने ने मेरी नींद को खा लिया। क्या देख लिया तूने सपने में इस बार? अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, इस बार मैंने जी देखा, पहले तो एक तेज गड़गड़ाहट हुई, बाद में जे बड़ा सा बुलडोजर मुझे आते हुए दिखाई दिया। तो इस बार फिर से मेरी दुकान टूट गई क्या? इस बार दुकान ना टूटी। हाँ। इस बार वो बुलडोजर तुम्हारे घर पे चढ़ गया, पूरा घर तुम्हारा मलबे में बदल गया, और तुम सेठ जी तुम पता कहाँ थे? तुम पूरा ईंटों में दबे हुए थे पूरे। जैसा मैंने बोला ना बिल्कुल वैसा ही करना, समझे? ललित अंकल। यार अंकल मत बोला करना, ललित नाम है मेरा। ठीक से करना काम। हाँ वो तो ठीक है, पर तेरे मम्मी पापा आ गए तो? अरे फोन ही आने वाले, वो ना जगराते पे गए हैं, सुबह ही आएंगे। इलो सेल्फी। आना क्या? देख आजकल तेरे पैर बहुत चल रहे हैं, तो अपने पैर ना संभाल के रखा कर, नहीं तोड़ तार के फेंक देंगे किसी दिन। अच्छा भाई वो पिल्लो देना जरा। ले। क्या बे? क्या 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 ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बाहर जाके रह ले, तू भी खुश मैं भी खुश, दबाओ। मैं बाहर जाके रह लूं साले मर्द हो रखा है। जीजा जी छत पर है। जीजा जी छत पर है। इलायची जी, जीजा जी छत पर ही होंगे ना, कहाँ जाएंगे हम, कोई डकैत थोड़ी ना जो रात को निकलते हैं। जीजा जी डकैत नहीं, चोर। क्या कहा आप, हमें चोर कह रही हैं? हमने क्या चुराया? मेरा दिल जी, मेरा दिल इतना घबरा रहा है ना, नीचे नीचे चोर चोर घुसा है घर पे। ये चोर भी ना कोई नॉर्मल चोर नहीं है, ये वो सीरियल किलर टाइप से, ये देखो हर जगह ना इसके मैसेजेस वैसेजेस आए हुए हैं। इसको प्यार में कोई धोखा मिला था, अब तक 12 सिंगल लोगों को मार चुका है। कहता है सिंगल लोगों को जीने का अधिकार नहीं, कपल जाके मजे करो।
बड़ा ही अजीब आदमी है, बड़ा आशिकाना चोर है, नहीं? हाँ जी, कैसा भी चोर हो, आप पुलिस को फोन लगाइए, पुलिस बुलाइए। अरे नहीं नहीं, पुलिस वुलिस नहीं आएगी, हम भले घर वाले लोग हैं, हमारे घर में नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगता हमें, प्लीज। हाँ जीजा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं सच्ची। जी बताइए क्या करना है। यही देखिए, ये चोर ना साइको चोर है और ये सिंगल्स को ही मारता है, तो हम लोग कपल हो जाते हैं ना, साथ में जाते हैं। जी हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ मरने। मजा होगा, करेंगे, बताइए, चलिए। लाइफ में टंटे हो रखे, चलो जी। अब संभाल के। हाँ बुबू, यार क्या कर रहे हो जीजा जी, इधर क्यों देख रहे हो? अरे हम उस चोर को देख रहे हैं ना, देख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। वो देखो पूरा, ओह माय गॉड। जीजा जी चलो अब ना कपल वाली एक्टिंग शुरू करते हैं, सूट गाने के लिए रोमांटिक गाना गाओ। ओके मैं शुरू करती हूँ, मैं इस बार मैं। पापा जागरण में गया था, वहां पे एक भक्ति नाटक में मुझे राक्षस का रोल मिल गया, वही दाढ़ी चिपकी चली आई। अरे और मैं घर में ना चढ़ावा भूल गया, लेकिन बाहर मैंने देखा एक लौंडा जो झांक रहा है, तो मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा वो भाग लिया। पापा सॉरी पापा, वो ना हमें लगा कि चोर है तो मार दिया जीजा जी ने, पर जीजा जी की इसमें कोई गलती नहीं पापा, सच्चे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस चोर के लिए ये नाच गाना चल रहा था, उसके मनोरंजन के लिए चल रहा था ये सब। नहीं नहीं नहीं, अरे वो ये साइको चोर है, आपने देखा ना टीवी पे, वो सिंगल को मार देता है और कपल को छोड़ देता है, तो हम लोग कपल बनने की एक्टिंग कर रहे थे, इसलिए गाना गा रहे थे ताकि अपनी जान बचा सके, इस बीच में आप आ गए, मैं अकेले दवाई लेके आऊं। घबरा मत, मैं नाराज ना हूं तुझसे, लेकिन आज तूने जो है साबित कर दिया कि मेरे पीछे किस हद तक तू मेरी लड़की की रक्षा कर सकता है, लेकिन अच्छा खासा सूद दिया तूने, इसलिए इस महीने की तनख्वाह से तेरे 250 रुपए कट। हाँ? हाँ। अबे यार घर वाले शादी के पीछे पड़े हुए। देख भाई, यूपी में जैसी लड़की की मूछ आ जाए ना तो माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं शादी के लिए, इसलिए बेटा हमने तो कभी अपनी मूछ बढ़ने ही नहीं दी। सही किया और सही राजो, हम जहाँ आ गए गांव में होते ना तो हम दोनों अभी दो दो बच्चों के बाप बन गए होते। इसी बात पे शुक्रिया बोल, ले पैर दबा। शुक्रिया भाई। ये कैसा शुक्रिया? जीजा जी छत पर है। इलायची जी आप इस समय यहाँ पर, हमारा सोने का समय है ना, हम सोते हैं ऐसे रात को। हैं? हाँ। लेकिन जीजा जी मैंने सुना ना वो जो नए नए शादीशुदा जोड़े होते हैं ना जैसे आप लोग, वो लोग रात को थोड़ा कम सोते हैं। है ना भाभी? हाँ जी हाँ जी, हम लोग भी ना कभी कभी लेट ही सोते हैं। हाय एवरीबॉडी, हेलो भाभी। हेलो हेलो, बैठो बैठो। आइए सुनीता जी, आप ही की कमी थी। हाँ बस इनकी ही कमी है। वो ना भाभी, पापा ने ना मेरे लिए गच्चक लाई थी तो मैं सोचा मैं आपके लिए ले आऊं। ओहो लाइए मैं खाती हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आराम से बुबू। वाह सुनीता जी, मजा आ गया, मतलब क्या बात है। जीजा जी आपकी कमाल की गजक है ना, उसे खाना हो गया तो प्लीज आप मेरी बात सुनेंगे? जीजा जी ये वाला, ये हाला हार कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। रियली? और मेरे ऊपर ये हार कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। अच्छा दस में से कितने नंबर देंगे आप मुझे? 10 में से 10, बहुत ही बढ़िया है ये। रियली? मतलब तो मैं अभी जरूर खरीद लूंगी, अब भी खरीद लूंगी जाके, मतलब। बाय बाय बाय। एक और है क्या गजक का डब्बा? बाय बाय।
बाय बाय। क्या बाय बाय? मामा कैसे हो? मतलब इतने दिनों के बाद क्या लाया हूँ मेले, जल्दी बताओ। पश्मीना शॉल लेके आए हैं तेरे मामा कश्मीर से, 35,000 की, ले ले। सच्ची? मतलब सच्ची जी बताओ? अरे वाह, सो स्वीट। ले काफी लाया हूँ तेरे लिए। मामा मैं ना बड़ी हो गई हूँ, मतलब समझ रहे हो ना? अरे तो मेरे लिए तो उत्ती की उत्ती है। छटंकी भैया देखो ना, 11वीं में पास होके नहीं दे रही छोरी। अरे टेंशन काहे को ले रही हो? उसका मामा आ गया है, अंदर तक सेटिंग है हमारी, पास करवा देंगे। करवा दो ना छटंकी भैया। अच्छा चलो तुम जाके नहा लो, फिर डिनर कर लो। हाँ हाँ बहुत भूख लगी, नहा के आता हूँ मैं। हाँ। बसवान मेरा तौलिया मत दे दियो इसे, है? वहां से हटा ले मेरा तौलिया। वो तुम्हारा पुराना वाला तौलिया, वो क्यों देने लगी? मैं तो नया वाला तौलिया निकाल रही हूँ। अरे नया दे दे, सब दे दे, सही दे दे। पापा हाँ, ये वाला हार कैसा है? हाँ अच्छा है, क्यों? अच्छा है ना? पापा मुझे ना ये वाला हार चाहिए। सुन बेटा, एक बार 11वीं पास करके दिखा दे, फिर मैं तुझे ऐसे एक हार नहीं दो दो हार ला के दे दूंगा। बड़ी आई हार चाहिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा ना हो रखा है, जाके पढ़ाई कर अपनी। टंटे हो रखे हैं, हार दिखा रही है। इलायची जी, अरे क्या वो? बेटी बेटी रोइए मत। इलायची जी क्या हुआ? आप टंटे हो रखे हैं जीजा जी। क्या? रोइए मत आप। हाँ अरे इतने भारी भरकम माँ बाप होने का क्या फायदा जब वो अपनी इकलौती बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। लहची जी, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। सेठ जी आपको बहुत प्यार करते हैं, क्या कह रहे हैं आप? अरे अगर इतना ही प्यार करते हो तो ये मामूली सा हार नहीं दिला देते मुझे? नहीं करते। नहीं इलायची जी, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। क्या आप लोग सच में चाहते हैं कि मैं ये साबित करूं कि मेरे पापा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? अरे हाँ कहिए ना। हाँ, हाँ। तो फिर ठीक है, हम ना पापा का एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट? जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सेठ प्रणाम। खुश रहे, खुश रहे भैया, खुश रहे। शहर में किडनैपिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। कल सुबह शकरपुर में स्कूल से आ रही दो लड़कियों को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। अरे यार ये सेठ जी के कान पे तो जूम ही नहीं रेंग रही है। सेठ जी। हाँ बोलना। सेठ जी ये पढ़ा आपने? क्या? कल सुबह शकरपुर में स्कूल में आ रही दो लड़कियों का कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। अरे तू इतनी क्यों फिक्र कर रहा है? तेरा कोई किडनैप ना करने वाला? नहीं नहीं सेठ जी, हमें अपनी फिक्र नहीं है। तो लड़कियों की फिक्र हो रही है जिनका किडनैप हो गया है? सेठ जी हमें इलायची जी की फिक्र है। तू इलायची का बाप है? नहीं सेठ जी, आप हैं। तुझे बाप कोई फिक्र ना हो रही है तो तुझे इतनी क्यों फिक्र हो रही है? काम कर अपना। लो आ गई। क्या मुसीबत? हमारे मतलब फोन। हेलो कौन बोल रहा है? जी मैं किडनैपर बोल रहा हूँ, आपकी लड़की किडनैप हो रखी है, मेरे कब्जे में है। मेरी बेटी तेरे कब्जे में है? हाँ। तो तू ही रख ले। अरे सुबह से एक महीने मिला हूँ तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। अरे तू मेरी बेटी का क्या किडनैप करेगा? मेरी बेटी तुझे खुद प्रगति मैदान में बेच के खा जाएगी। बात कर रहा बेकार की, चल फोन रख। अबे क्यों बे मुरारी के बच्चे, साले अपने आप को बहुत सयाना समझता है। अबे कौन बोल रहा है? मैं तेरा फूफा बोल रहा हूँ भूतनी के। अबे एक बार की बात समझ में नहीं आती, बोला ना किडनैपर बोल रहा हूँ, तेरी लड़की किडनैप हो रखी है, मेरे कब्जे में है। यकीन नहीं आता तो सुन अपनी लड़की की आवाज। ए लड़की आवाज सुना। पापा पापा
ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। और जैसा ये लोग बोलेंगे ना, प्लीज वैसा ही करना। हाँ पापा प्लीज। देख, देख, तुझे कुछ ना होगा, तुझे कुछ ना होगा, मैं हूं ना। चुप। सुन ली अपनी लड़की की आवाज, हो गई तसल्ली? सुनो सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? वो भी बता दूंगा, थोड़ा इंतजार करो। क्या भवानी? हेलो 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 हेलो। सेठ जी, क्या हुआ सेठ जी? मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया है गुंडों ने, पता नहीं किस हाल में होगी। सेठ जी आप ऐसे रोइए मत, अब सेठ जी आप चिंता मत करिए प्लीज। अब सेठ जी वो खुश है, सेठ जी वो खुश है। अबे वो पिकनिक मनाने गई है जो खुश है, बात कर रहा है बेकार की। गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया है। किसका किडनैप हो गया सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सेठ जी इनके इलायची जी के बारे में कुछ मत बताइएगा, वरना अगर इन्हें पता चल गया तो बड़े पंगे हो जाएंगे, रायता फैल जाएगा। ये क्या चल रहा है यहाँ है? मेरी बेटी का किडनैप हो गया है दरोगा जी। किडनैप? गुगु आ गए, गुगु आ गए। अबे चुटकी दरवाजा खोल। ए तू खोल, खोलती हूँ, खोलती। बुबू जल्दी किट लगाओ, किट लगाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। आराम से जीजा जी, क्या खबर लेके आए हो? अरे इलायची जी बहुत बड़ा पंगा हो गया है, सेठ जी ने पूरा रायता फैला दिया है। मेरे पापा ने कौन सा रायता फैलाया? अरे उन्होंने पिंकी दरोगा को सब कुछ बता दिया किडनैपिंग के बारे में। क्या? हाँ सच्ची? हाँ। अरे वाह, मतलब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा। सेठ जी को जाके सब कुछ बता देंगे कि ये नाटक आपका रचा हुआ था, ये किडनैपिंग, ये प्लान, ये सब आपका था, हम बता देंगे। ठीक है, तो मैं भी जाके पापा को नीचे बता दूंगी कि नाटक नहीं है, लोगों ने सच में मुझे किडनैप किया था। तो ठीक है, जैसे कि सेठ जी आपका यकीन कर लेंगे ना। यकीन तो नहीं करना ही पड़ेगा मेरी बात पे, क्योंकि जो फोन कॉल गई थी ना, पिंटू भाभी के फोन से गई थी। साले पिंटू की बच्ची। बाबा बाबा ऐसा क्यों किया बाबू? बाबू ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने अपने फोन से सेठ जी को फोन किया? क्यों क्यों बाबू? मुझे क्या पता था कि रायता फैल जाएगा। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम? धीरज से काम ले, धीरज से। अरे कैसे धीरज से काम लू? मेरी जवान बेटी किडनैप हुई है, ऊपर से खूबसूरत भी है। पता नहीं वो किडनैपर मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे उसने मेरी बेटी पे अगर हाथ भी लगाया ना, तो गुद्दी तोड़ दूंगा उसकी गुद्दी। हाँ, तुम यहाँ बैठे बैठे उसकी गुद्दी तोड़ो। हाँ, उसे ढूंढने मत जाओ। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए। सॉरी सेठ जी, आप क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? कुछ दे दू के मामला खत्म कराइए ना। क्या दे दू के मामला खत्म कर दू? क्या दे दू के मामला खत्म कर दू बता? किडनैपर्स ने कुछ तो डिमांड रखी होगी ना इलायची जी को छुड़वाने के लिए। एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला हूँ। मामला जो है वो अब दरोगा पिंकी तक पहुँच गया है, अब फोन की बैंड बजा के रहेगा बस। अबे सेठ जी, क्या कह रहा है तू? सॉरी, आपसे बहुत बड़ी, मतलब सेठ जी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए वो बहुत खतरनाक गैंग है। तेरे रिश्तेदार है वो? ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर तू क्यों कह रहा है कि वो खतरनाक लोग हैं? हमने ऐसे ही अंदाजा लगाया, बंदूकें रखते हैं ये लोग, खतरनाक ही होंगे ना। कानून के हाथ से बचना पाएंगे आप? अब मैंने तो दरोगा पिंकी से कह दिया है, वो साला झा भी देखे उसका उसका एकदम एनकाउंटर कर देना। तू तो ऐसे चीख रहा है जैसे तेरा एनकाउंटर होने वाला है। सेठ जी हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमें खून खराबे से बहुत डर लगता है। अरे आप चाहे खून खराबा हो,
चाहे उस किडनैपर की लाशें गिर जाए। मुझे मेरी बेटी किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए। तू चिंता मत करू, दरोगा पिंकी एक एक को चुन चुन के मारेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.